देखो भाई हमारे यहाँ पे कितना मस्टर्ड है, और ये घास है, हल्का हल्का सा मस्टर्ड भी है, सरसों। डीडा हाँ तोरे चगड़ा। और ये सब घास चोर लोग है, ये सब घास चोरी कर लेता है। देखो हमारा वो वहां से घास चोरी कर लिया है। चार आम का पेड़ है लेकिन इसका कीड़ा बहुत पड़ गया है। ये शीशे का पेड़ है, हाँ काटे ले। घास में परपरिया हो गया है, इधर घास में परपरिया आएंगे जो, तो ये आएंगे जो हल्का ये घोरोनी जो, ये दानिश इधर से ला परपरिया ला काट ले, याद करे मिक्स करे दुबनी छोड़ जल्दी सरसों साथे यहाँ गोड़े हम परपरिया काटे ले अच्छा से धीरे, इलर साथे दुबनी सानी काटे तो ये नहीं है काटे ले रे। नींबू का पेड़ है, ये फल इसमें फूल आया, देखो पपीते का झाड़, और ये सूरज डूब रहा है। गोबर तोबर दिले तो नहीं लत, गोबर उलत गोबर चाने डालो उछा, अभी मांस खत्म हो गई है। अच्छा से ये नहीं खरीदा कि साफ करे दे पूरा नगर है। पेट खराब है यानी कि गुरु माटी है नहीं ला माटी ला फेंक दे रास्ते में माटी वाला ला नहीं लेना कुने की कर लो माटी लो सारे सुन ये मट्टी वाला घास अगर खाएगा जानवर तो पेट खराब हो जाएगा। ले चल बस यहीं इलाज कर तूने। चलो भाई घास काट के हो गया, लेके जा रहा है हमारा छोटा भाई घास को, गाय को देगा भी वो खाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद हमारी जो है गाय बच्चा होएगा उसका दूध के लिए, तो अभी इसको प्रोटीन ही समझ लो कि प्रोटीन है गाय के लिए, तो
तो ये दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद देखते क्या होता है। और ये भी अपने जानवरों के लिए घास काट रहे हैं। उधर देख रहे हैं राइटर साहब, राइटर साहब उधर जो है चिड़िया भगा रहा है। पता नहीं चिड़िया से क्या दुश्मनी हो गई है उसको, चिड़िया भगा रहा है। बहुत दिन से चिड़िया का गोश्त नहीं खाया है ना, इसके लिए उसको चिड़िया से नफरत हो गया है, चिड़िया को भगा रहा है वो। ए वलगू रे चिड़िया रे, ओए वलगू। ये देख रहा भाई चिड़िया को भगा रहा, कैसा वो परेशान हो गया, मकई लगाया ये इधर पे। तो ये मकई जो है भाई साहब बेचेगा कम से कम 2-3 लाख रुपए का, ये पूरे खेत में लगाया है जो मास्टर जफर ने, हमारे चाचा है ठीक है, ये उनका लड़का है, छुट्टी पे आया है चिड़िया भगाने के लिए ये ठीक है। चिड़िया भी साला बहुत चालू है, वो उधर से उड़ के इधर खाता, वो इधर आता, वो उधर खाने के लिए चला जाता है। और ये तालाब है, हम लोग रोज प्लान बनाते हैं मछली मारने के लिए, लेकिन मौसम इतना ठंडा है कि हमारा सिर्फ प्लान ही प्लान रह जाता है, लेकिन मछली नहीं मार पाते हम लोग, बहुत ज़्यादा ठंडक है। ये दूसरे का तालाब है, ये झाकिर भाई का तालाब है, ये देखिए मछली देखिए आप इसमें, माशाल्लाह अच्छा मछली है। ये हम लोग का तालाब है, मैं तो रहता नहीं हूँ मछली मारने के टाइम पे, हमारे छोटे भाई लोग रहते हैं, उन लोग कहते हैं कि इतना मछली हुआ इतना मछली हुआ। ये देखिए मछली भाग रहा है इधर से, ये देखिए अभी यहाँ पे जो पानी थोड़ा गंदा हुआ है, मछली था यहाँ पे, मछली भाग गया है। इसी तालाब में इन लोग कपड़ा धो धो करके सुखाने देते हैं। हाँ हाँ तुमको चिड़िया से क्या नफरत हो गया है क्या? चिड़िया भगा रहा है, बकरी खा लेता है, पूरा मकई खा लेता है, अब बकरी खा लेता है चिड़िया, क्या करें। तो आज तुम्हारा ड्यूटी है? ड्यूटी हमारा रोज रहता है भाई। अच्छा क्या करें, ये मखी में बहुत मेहनत लगाया, लेकिन तो ये तो पेड़ ये तो पेड़ उड़ गया फिर भी भगा रहे उसको। अरे यार पेड़ उड़ गया है लेकिन साला पेड़ को भी उखाड़ लेता है, अभी बेचारा कमजोर है ना, जो पेड़ का जो हड्डी है वो मजबूत नहीं हुआ है, अच्छा उखड़ जाता है, जड़ नहीं पकड़ा है अभी। अच्छा इसीलिए खा लेता है, इसीलिए चिड़िया से इनको नफरत हो गया है। यार चिड़िया से नफरत नहीं, वो हमारे अनाज से हमें मोहब्बत है, इसलिए जो है ना। अभी इतना आपको कैमरा इतना अच्छा नहीं है हमारा क्लियर, नहीं तो हम आपको दिखाते कि चिड़िया जो है कैसा। हमारा कैमरा क्लियर है भाई, हमारा कैमरा ले लो। नहीं उतना फिर अच्छा तो है, कितना मेगापिक्सल है? 64 मेगापिक्सल तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, हमारा ये कुछ 12-13 मेगापिक्सल का है। कार बेटी छे यारे, बाप रे अतंडी आएंगे, ये अतंडा आएंगे, ये मतलब बड़ी हो गई। ये देखो ये चील है, चिड़िया जो है मकई, चिड़िया जो है मकई के पीछे पड़ा है और चील जो है चिड़िया के पीछे पड़ा है। जिस दिन चील के नज़र में आ जाएगा चिड़िया, उस दिन उसका बिरयानी बन जाएगा। चलो भाई अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये हम दोनों भाई है ठीक है, ये मेरे चाचा का लड़का है और ये जो है चिड़िया भगा रहा है अभी। बाकी हम लोग इससे पहले चिड़िया का जो है पानी पटा रहा था तो मार के खाया था, ये भगा रहा है अभी, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग चिड़िया मार के भी खाएंगे, जब पानी डालेंगे इंशाल्लाह, जरूर खाएंगे। चलो भाई अल्लाह हाफिज़।